नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह और मैं आपका सेल्स कोच। दोस्तों, सेल्स की छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं और इन वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड टू डू योर प्रोफेशन ऑफ सेलिंग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड फेम। इफ यू आर रेडी टू मूव फर्दर इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ सेल्स, कम ऑन, लेट्स गेट इन टू दिस वंडरफुल वर्ल्ड कॉल्ड सेल्स। वो ऑडियंस के दिमाग में क्या चल रही है, यानी उसके उपभोक्ता, उसके ग्राहक के दिमाग में क्या चलती होगी उसको इमेजिन कर रहे हैं और इस चीज की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए वो सोच रहा है। ट्राई डायमेंशनल पिरामिड को सोचिए। तो फनल स्टेज है अवेयरनेस। तो रियल एस्टेट का आदमी बोलता, आई नीड टू डिफरेंशिएट द होम्स आई बिल्ड फ्रॉम माई कंपटीशन। जब तक मैं एक डिफरेंशिएटर नहीं पैदा करूंगा अपने घर में, तब तक मैं ग्राहकों के दिमाग में अवेयरनेस तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। ठीक है, एग्जांपल। तो इस डिफरेंशिएटर को क्रिएट करने के लिए वो इन्फोग्राफिक, शॉर्ट वीडियो, हाउ टू आर्टिकल, इंट्रो और ओवरव्यू ब्लॉग पोस्ट, ऐसी चीजों की कल्पना कर रहा है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। डिजिटल मार्केटिंग में रियल एस्टेट का आदमी है। देखिए, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि सोच कैसी होनी चाहिए। ये रियल एस्टेट के एग्जांपल है, इसी को आप अपने इंडस्ट्री में डालिए, अपने सोच को उस तरह से डालिए तो आपकी कैंपेन सही बनेगी, नहीं तो धकेल पट्टी कार्यक्रम होगा। सो फर्स्ट इज अवेयरनेस। तो रियल एस्टेट वाला बोलता है आई नीड टू डिफरेंशिएट माई होम। फिर वो बोलता है कि मैं क्या क्या मेटेरियल यूज करूं ताकि मैं ये डिफरेंशिएटर क्रिएट कर पाऊं। फिर वो बोलता है व्हाट मटेरियल्स विल गेट माय बायर्स टॉकिंग टू देयर फ्रेंड अबाउट माय होम, यानी क्या करूं मैं अपने कंस्ट्रक्शन में ताकि मेरे बायर मेरे बारे में बात करें, चर्चा करें। एंड आर दिस न्यू मटेरियल्स इजी टू इंस्टॉल, ये इसके प्लानिंग स्टेज में आता है। क्या आप इस तरह की कोई प्लानिंग करते हैं सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, सिर्फ स्टेज वन ऑफ फनल के बारे में? आर यू मैं कम्युनिकेटिव, क्या ये बड़ा मुश्किल लग रहा है या इज इट गोइंग थ्रू, इज गेटिंग थ्रू, राइट? तो इस तरीके से मुझे वन बाय वन अपना सेल्स फनल बिल्ड करना है। और सेल्स फनल बिल्ड करने मतलब द रॉकेट साइंस ऑफ सेल्स फनल, एस मिसिंग है यहाँ पे, रॉकेट साइंस नहीं है कोई। मुझे सेल्स फनल में देखिए येलो एरोज है, मुझे साम धाम दंड भेद हर तरीके से लीड्स लाने, इनकमिंग लीड्स, ये सारे लीड्स लाने हैं। जब मैं हर तरीके से लीड्स लाऊंगा तो ही मेरा बिजनेस का जो सेल्स फनल है वो एक रोबस्ट फनल तैयार होगा। तो मैं आज आपसे क्विकली समझना चाहता हूं कि लीड्स लाने के कितने तरीके हैं जो आप फॉलो करते हैं, कितना इफेक्टिव है नहीं है छोड़ दीजिए, बट कितने तरीके। आप बोलते नहीं यार, आप एसएमएस करते हैं, एसएमएस करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और क्या करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंडिया मार्ट और जैसा है तो लिंक्डइन करते हैं, ट्विटर करते हैं, करते नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं। ये जो जो मैं लिख रहा हूं ये लिस्ट आप लिख लीजिए, ये सब करना है। आप ये मत सोचिए कि इंस्टाग्राम में मेरा क्या होगा, मैं और लिख रहा हूं, मैं फोटो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ई कॉमर्स करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं, रेफरेंस सेलिंग करते हैं, और क्या करते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट भी कहा जाता है, सेमिनार, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट, यानी वन टू वन, एक एक करके लोगों को मिलते हैं, वन टू मेनी मतलब लोगों को संग्रह समूह में बैठा कर मिलते हैं, और क्या करते हैं, और क्या कर सकते हैं, पेपर,
डायरेक्ट मेलिंग भी कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में पेपर आ गया, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, पर ये बहुत महंगा है, शायद आप अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और क्या कर सकते हैं? एग्जीबिशंस, एक्सपो, और क्या कर सकते हैं? ईमेल, और क्या कर सकते हैं? वीडियो, यूट्यूब में करते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। ओके, यूट्यूब। और क्वालिटी सेमिनार्स, सॉरी, और इवेंजलिस्ट पाल सकते हो। देसी भाषा में इसको बोलते हैं एजेंट, बट किसी को एजेंट बोलो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इवेंजलिस्ट मतलब वो एंजल जो बिना तनख्वाह लिए हुए काम करता है। तो आप जैसे कॉलेज में, हर कॉलेज में अगर एक एजेंट पाल लो, मैं तो आपकी जगह रहूंगा तो हर ईयर में एक पाल लूंगा। मैकेनिकल फर्स्ट ईयर एक एजेंट, सेकेंड ईयर एक एजेंट, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर एक एजेंट, और इन सारी एजेंट को बुला के ट्रेन करूंगा, इन सारे एजेंट को दम मारूंगा, टारगेट दूंगा और उनके थ्रू अपना काम करूंगा। और क्या कर सकते हैं? और क्या काम कर सकते हैं? एथलीट, व्हाट इज दैट? एथलीट, आई हैव वन सेट ऑफ बिजनेस, I will connect with other business setup and I will give them chance to sell my other reseller. Okay, very good. तो जो non conflicting business है ना, जैसे वो bakery institute चलाते हैं, तो bakery institute का bakery के साथ no conflict। Bakery institute वाले bakery नहीं खोलने वाले, bakery खोले जो है वो institute नहीं बनाने वाले। As a non conflicting complementary बिजनेसेस को हम टाई अप करके एक दूसरे के ऊपर पिगी बैक कर सकते हैं, इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, राइट? तो इस तरह से वो बहुत जगह आप अपने अपने धंधे के एफिलिएट्स खोल सकते हो। तो टीएमटी जरिए बार में एफिलिएट कौन हो सकता है जो नॉन कम्पीटिंग है, नो कॉन्फ्लिक्ट है? सर, सीमेंट सप्लायर, वेरी गुड, सीमेंट सप्लाई करता है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर वाले जितने हैं, रेती गिट्टी सीमेंट, वो जो डिजाइनिंग, सर जो टीएमटी का डिजाइन बना के देते हैं ना, उन लोग को मेरा टीएमटी लगता है बट वो ड्रीम्स की ट्रेडिंग नहीं करते। वेरी गुड, हो सकता है आप एफिलिएट मार्केटिंग कहां कर पाएंगे? आर्किटेक्ट्स के पास अपन जा सकते हैं, आर्किटेक्ट्स जो रहते हैं, हाँ, बहुत सारे कस्टमर्स को है या बनाते हैं कुछ, राइट? तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स हमारे धंधे में, कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को डेटा निकाल के हम मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे बिल्डर के लिए आर्किटेक्ट इन्फ्लुएंसर है, जो चाहे इंटीरियर डिजाइनर है, लैंडस्केप आर्टिस्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, ये लोग आपके इन्फ्लुएंसर हैं। जी सर। ऐसे सोलर एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, तो इलेक्ट्रिकल वैल्यूअर है, ये सब लोग आपके इन्फ्लुएंसर हैं। तो आप अपने अपने बिजनेस में जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके डेटा निकालिए और उनको सेंग लगाइए, तो आपको वहां से भी लीड्स आ सकते हैं। सिमिलरली आप एप्लीकेटर भी एक वर्ब होता है, इनके थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। एप्लीकेटर किसको कहते हैं? वो व्यक्ति जो बाय डिफॉल्ट आपके पॉइंट ऑफ डिमांड पे खड़ा होता है, बाय डिफॉल्ट। आप माल बेच रहे इसलिए नहीं, जैसे सोलर में इलेक्ट्रिशियन बाय डिफॉल्ट रहेगा वहां पे, है ना? टीएमटी सरिया में राजमिस्त्री बाय डिफॉल्ट रहेगा वहां पे। तो ये जो छोटे लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस नहीं चलता, बट इनको पता होता है कि आपका वाला काम कहां कहां हो रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे लोगों को एप्लीकेटर कहा जाता है। जैसे अगर नागपुर के 500 इलेक्ट्रिशियन को आप जमाते हो, कैसे जमाते हो आप समझो, बट अगर उनको जमा लेते हो और उनको बोलते हो कि भाई तू मेरा एजेंट बन जा, तो उनके लिए सोलर का एजेंट बनना ईजी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, जिस घर में भी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं उनको एक लाइन एक्स्ट्रा बोलना, साहब सोलर में इंटरेस्ट है क्या? सोलर बेचने के लिए अलग से कुछ एफर्ट नहीं लगाना उनको, उसी कॉल में हो जाएगा। और अगर कोई बोलता हो इंटरेस्ट है तो वो आपको मिला देना, उनको कुछ भी समझना, उनको प्रोडक्ट भी समझने की जरूरत नहीं।
तो ऐसे लोग जो छोटे लोग हैं लेकिन जिनके मार्फत आपका सेल्स फनल बिल्ड हो सकता है, उन लोगों को एप्लीकेट होते हैं। तो ये 21 लोगों की सूची है, अब इसकी फोटो ले लीजिए और अपने अपने बिजनेस में ये पूरे 21 तरीके आप आजमाते हो क्या? क्योंकि अगर ये पूरे 21 तरीके आजमाएंगे तो ये जो येलो लाइन आ रहा है इनकमिंग सेल्स फनल लीड्स, ये सारा कुछ हो रहा है अच्छे से, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यकीन मानिए इनमें से कोई तरीका ऐसा नहीं है जो जिसके पीछे पैसे खर्च होते हैं, है क्या? कहीं एसएमएस भेजने में 15 पैसा लगता है, 8 पैसा लगता है, बहुत महंगा नहीं है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ईमेल फ्री 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 फ्री, थोड़ा पैसा लगेगा इसमें, फ्री 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 फ्री, थोड़ा पैसा चाय समोसा का लग सकता है इसमें, वेरी नॉमिनल। पोस्टल स्टैंप लगेगा, बहुत महंगा है, पैसा लगेगा इसमें थोड़ा सा, फ्री फ्री सब फ्री है। अरे 21 में एक दो जगह आपको थोड़े बहुत पैसे लग रहे, बाकी सब फ्री है, क्यों? करने में क्या नुकसान है? व्हाई डोंट वी डू इट? ये हम इतने तरीके अपनाएंगे तो मेरा सेल्स फनल का शुरुआत होगा, मेरा सेल्स फनल की एंट्री होगी, यानी ओम नमः शिवाय चालू हो गई। इतना सब करके इससे जो माल निकला ओम नमः शिवाय का आया। अब जब एक बार ओम नमः शिवाय हो गया, चूंकि मेरा सेल्स फनल एक कोनिकल फ्लास्क है, तो जब हम ऊपर से माल डालेंगे तो उसको स्लाइड होके नीचे आना ही, तो जब स्लाइड होके नीचे आएगा तो इस तरह की फनल बनती है। देखिए फनल का दो रूप है, ये जो रूप है ये गेटिंग कस्टमर्स, एक बार कस्टमर आ जाता है तो कस्टमर को रोक के रखना और उससे आगे ग्रो कराना, ये उल्टा फनल है। फनल सिर्फ ये फनल यहां खत्म नहीं होता, ये फनल एक्चुअली इसके बाद में ऐसा जाता है। आधे बिजनेसमैन को ये फनल की जानकारी नहीं होती है, वो सिर्फ ये फनल समझते हैं, करेक्ट? अब देखिए ये दूसरा फनल क्या है, थोड़ा सा पिछली समझ लेते हैं कि दूसरा फनल क्या है। एक बार कस्टमर बन गया तो मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि कस्टमर रिटेन हो, क्योंकि सिर्फ कस्टमर बनाना काम नहीं है, बना के रिटेन भी करना है, खुश रखना है, उसको अच्छी एक्सपीरियंस देना है ताकि वो आगे करे। तो रिटेन के क्या प्रोग्राम्स है आपके, आप क्या करते हैं कस्टमर को रिटेन करने के लिए? कुछ इवेंट करते हैं, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं, क्या करते हैं? अगर कुछ नहीं करते हैं तो आपकी फनल ये मर जाएगी। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपने दायरे में रह के, तो जब वो सब काम मैं करता हूं तो फनल की चढ़ाई चालू होती है। अब फनल उल्टा काम करता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मैं अपसेल करने की कोशिश करता हूँ। किसी ने 2 BHK का फ्लैट लिया उसको बोलता सेकेंड होम खरीद, किसी ने एक जगह सोलर लगाया उसको बोलता तो अपने फार्म हाउस पे लगा ले, है ना? अपसेल करता हूं, अपसेल के बाद में नेक्स्ट सेल की बात करता हूं, क्रॉस सेल की बात करता हूं। क्रॉस सेल से आप लोग सब समझ रहे हैं मतलब, और चीजें उसको बेचना, हाँ और चीजें बेचना अपसेल हो गया। क्रॉस सेल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चीजें बेचना, जैसे जूता बेचा है तो साथ में फीता बेचना, मोजा बेचना, पॉलिश बेचना, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये जूते को लगता है, बट एक नया जूता बेचना, नया चप्पल बेचना, ये अपसेल हो गया, राइट? तो इसको फनल को उठाते मैं अपसेल करूंगा, नेक्स्ट सेल करूंगा, क्रॉस सेल करूंगा, रेफरेंस सेलिंग करूंगा। जब मैं इस फनल को ये सारी चीज करूंगा तो ये रोबस्ट फनल कहलाता है, और ये यहां से फिर घूम के, यानी एक बार मैंने रेफरेंस सेलिंग किया तो वो रेफरल घूम के वापस से मेरे फनल में एज ए इनपुट घुस जाता है वापस से, और फिर से ये चालू होता है। तो वो भाषा में बोलते हैं कि चप्पा चप्पा चरखा चले, ये चप्पा चप्पा चरखा चल रहा है, ये चप्पा चप्पा चरखा चल के आपका कस्टमर बना, फिर चप्पा चप्पा चरखा चल के रेफरल निकला, फिर ये वापस घुसा, फिर दिस इज अ साइकिल एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक। मेरा आपसे पूछना है कि एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो सुन के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट करना चाहिए, कॉर्पोरेट लोगों ने करना चाहिए, क्या ये आप कर सकते हैं? सभी सभी लोग कर सकते हैं।
बट हमें लगता है ये ऊंची ऊंची बातें ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज नॉट समथिंग दैट ओनली अ कॉर्पोरेट कैन डू, ऑल ऑफ अस कैन डू इट. बस इसको समझने की जरूरत है और अपने बिजनेस को इस परिप्रेक्ष्य में उतारने की जरूरत है. वंस यू आर एबल टू टेक इट डाउन इन दिस, आप अपने बिजनेस को बेटर एनालाइज कर पाएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वंस यू आर एबल टू एनालाइज योर बिजनेस बेटर, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, हाउ इट इज गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड दिस इज हाउ द एंटायर फनल विल मूव. सो दिस इज द साइंस ऑफ दिस फनल मैनेजमेंट. एंड इफ यू सी, वापिस से बात कर रहा हूं, अवेयरनेस क्रिएट होती फनल में, फिर लीड होता है, फिर प्रोस्पेक्ट होता है, सेल होता है. यहां पे मार्केटिंग एक्टिविटी करने की जरूरत है, यहां पे ऑफर्स देने की जरूरत है, यहां पे ईमेल फॉलोअप ऑफर्स की जरूरत है, यहां मेंबरशिप लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर स्पेशल्स की जरूरत है. तो ये जो पट्टा दे रहा हूं मैं, ये तो सेल्स फनल है और इसी सेल्स फनल के साथ में ये मार्केटिंग फनल है, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर सेल्स नहीं होगा और सेल्स के बगैर मार्केटिंग नहीं होगी, दोनों साथ साथ बढ़ के चलती है. राइट, सो मेंटेनिंग ए हेल्दी सेल्स फनल हेल्प्स अस मेक एक्यूरेट फोरकास्ट. तो यहां पे जरूरी है कि आपके सेल्स फनल के हर लेवल का एक रेशियो मेंटेन हो. कितना रेशियो होना चाहिए ये मैं नहीं बता सकता, ये आप अपने अपने बिजनेस को ध्यान में रखते बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कितने लीड का कितनी अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए और कितनी अपॉर्चुनिटी का कितना नेगोशिएशन होना चाहिए और कितना नेगोशिएशन का एक ऑर्डर बनना चाहिए, है ना. तो एक बार के लिए अगर आप बैठ के पास्ट रिकॉर्ड को देख के डिसाइड कर ले कि इन द पास्ट 5 years, इन द पास्ट 3 years, इन द पास्ट 1 year, दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड, आप उस रेशियो को अपना मापदंड बना लीजिए, मेक इट अ यार्डस्टिक कि भाई मेरे बिजनेस में यही रेशियो चलेगा और इसी रेशियो को मैं हेल्दी रेशियो बोलूंगा. फिर आपकी सेल्स टीम को मॉनिटर कीजिए कि भाई तू अपना फनल देखा, तेरे फनल में रेशियो मेंटेन हो रहा कि नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, बराबर है. क्योंकि अगर रेशियो मेंटेन हो रहा है तो आप हेल्दी हो, नहीं हो रहा तो आप हेल्दी नहीं हो. तो आगे से एज ओनर्स आप लोग चालक मालक कंपनी चला रहे हैं या आप कुछ लोग मैनेजर हैं, आप लोग सेल्समैन को पाल रहे हैं या पालना चाहते हैं, तो सेल्समैन को रिव्यू करते समय थोड़ी साइंटिफिक बातें कीजिए, सिर्फ उत्तेजना भरे इमोशनल बातें मत कीजिए. क्यों नहीं धंधा किया, तेरे को इतना पैसा देता हूं, क्या कर रहा तू, मैं तेरे को क्यों रखूं, इन सब बातों का क्या मतलब. वी वॉन्ट टू डू साइंटिफिक डिस्कशन की वॉट इज योर फनल, शो मी योर सेल्स फनल, वाई योर सेल्स फनल रेशियोज आर नॉट मेंटेन, why you have got 100 lead but you have sent only 10 proposals, so you are maintaining a 10:1 ratio whereas your ratio should be 1:3:1, 4:1. are you getting my point? to aap apni sales funnel ka ek healthy ratio pehle nirdharit kijiye ki mere dhande mein ratio aisa hona chahiye, fir apne sales team member ko sikhaiye ki kyon aisa hona chahiye, fir unko aage badhke jab aap unko manage karne ki koshish kar rahe hain to unka funnel check kijiye. एक काम तो कीजिए आज के प्रोग्राम के बाद, अपने सेल्स टीम के हर मेंबर को फनल सिखाइए और उनको अपनी सेल्स को फनल के तरीके से देखना चालू करें. अगर आपके पास कोई सेल्समैन नहीं है इसका मतलब आप खुद ही सेल्समैन हैं, तो आप अपनी फनल बनाइए और अपने आप को हर रोज फनल को अपडेट कीजिए और हर रोज फनल की हेल्थ चेक कीजिए. जैसा कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बीपी हाई है तो फिर लगते हैं चलो डॉक्टर को दिखाओ नहीं तो कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना. तो सिमिलरली हर रोज सुबह जब हम अपनी फनल की हेल्थ चेक करेंगे और रेशियोज अगर कॉम्प्लायंस में है तो आई एम हैप्पी कि चलो मेरा बिजनेस करेक्ट लाइन पे चल रहा है. और अगर रेशियो नॉन कॉम्प्लायंट है, इट इज लाइक हैविंग वेरी हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, भाई चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलो नहीं तो कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी, राइट. तो मेंटेन अ हेल्दी सेल्स फनल, यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन वॉट इज हेल्दी फॉर यू, क्योंकि ऐसा कोई यूनिफॉर्म हेल्दी नहीं होता. ये फनल है, इसका रेशियो फिक्स कीजिए एंड रेशियो विल टेल वेदर इट इज हेल्दी और नॉट. फेयर? तो ये वो रेशियो की बात हो रही है कि फनल का एक हेल्थ स्कोर होता है और उस स्कोर के हिसाब से फनल चलता है. ये पीपीटी आप लोग को मिलेगी, आप लोग उसको देख के समझ पाओगे, लेकिन जो बताना चाह रहा हूं कि अपने अपने बिजनेस में एक रेशियो क्रिएट कीजिए. अंत में ये जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेल्स फनल, क्योंकि सेल्स फनल
कि अंदर लीक नहीं होना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए तेल की कुप्पी है जिसमें ऊपर से तेल डाल रहे नीचे से तेल निकल रहा है फनल, बट बीच में छेद है, तो क्या होगा? छेद से निकल जाएगा ना, सब लीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन सेल्स फनल मैनेजमेंट इज दैट इज योर फनल लीकिंग। आपने यहां से लीड दिया, लीड प्रपोजल बनना चाहिए ना, बट लीड प्रपोजल बना नहीं, इधर से गायब हो गया, यानी सिस्टम से बाहर हो गया। आपने अपने लड़के को दिया कि ये जाओ इसको फॉलोअप करो, ये लीड है। लड़के ने फॉलोअप किया, उधर के उधर ऑर्डर क्लोज हुआ तो ठीक है, नहीं तो लड़के के पैंट में वो लीड रहेगी, कल को पैंट धोला तो लीड भी उधर धुल गई। आपके पास तो कोई सिस्टम नहीं है ट्रैक करने का, है ना? इसका मतलब वो लीड आपके सिस्टम से लीक कर गई। एक लड़के को लीड दिया, पांच लीड फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तो उसकी मोबाइल चोरी हो गई, सारी लीड मोबाइल में थे चली गई। एक आधा लड़का छोड़ के चला गया, जो जो लीड उसके पास थे सब चला गया, लीक हो गया। तो जब लीक हो गया तो बोलने के लिए आपके पास हजार लीड है, लेकिन कितने लीड के ऊपर आपका नियंत्रण है? 20 पे, 80 लीड तो लीक हो गई। तो मुझे सेल्स फनल में हर पॉइंट पे लीक रोकना पड़ेगा। अब पॉइंट कौन कौन से हैं? लीड पॉइंट, अपॉर्चुनिटी पॉइंट, प्रपोजल पॉइंट, नेगोशिएशन पॉइंट। अब मान लीजिए नेगोशिएशन पॉइंट पे 10 लीड, 10 कॉल्स है, दो महीना तीन महीने का मैं बोला है अभी तक नहीं मान करता, छोड़ो इसको, लीक कर गया। क्योंकि अब देखिए रियल एस्टेट में कुछ लोग तीन तीन साल तक बात करते रहते, बात करना चालू करते एक प्रॉपर्टी से, वो बिक जाती है और खरीदते हैं तीसरे प्रॉपर्टी, सही बात है ना? तो अगर मेरा रोबस्ट सेल्स फनल नहीं होगा, अगर मैं लीकेज को रखूंगा तो क्या होगा? मतलब चार कदम आगे तीन कदम पीछे ऐसे चलते रहेंगे, मेरे एनर्जी का पूरा नहीं है। एक अच्छा सेल्स टीम, एक अच्छा सेल्स मैनेजर वो है जो अपने फनल में कोई लीकेज नहीं रखता। मतलब मैं कहता हूं कि माल बेचना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हर लीड को मैनेज करना और हर लीड को लीक होने से बचाना, ये तो आपके हाथ में है। इतना ही करो, इतना ही कर सकते हो, बाकी सेल को जब होना है होगा, बट इतना भी कर ले तो हम अपने कर्म बराबर कर रहे हैं सेल्स में। ऐसे बोलने में कोई नुकसान की बात नहीं है। अंत में आपको बताना चाहता हूं कि सेल्स को इफेक्टिव नहीं होने के ये पांच टॉप कारण है, क्योंकि फनल में लीड आता है, लीड को ऑर्डर बनना चाहिए, लेकिन लीड ऑर्डर नहीं बनता हमेशा। क्या कारण है उसके? ये पांच कारण है जिसके कारण से लीड ऑर्डर नहीं बनता। एक, लैक ऑफ क्वालिफाइड लीड्स, यानी लीड्स आती हैं लेकिन हम उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं। जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। तो 46% केसेस नुकसान में चले जाते हैं, ऑर्डर नहीं बनती, क्योंकि हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। 36% डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, यानी हम अपने प्रोडक्ट को कॉमोडिटी के बाहर नहीं निकल पाए। जैसे सोलर अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं बता पाया कि मेरे सोलर में यूनिक क्या है, तो ग्राहक मुझे मेरे सोलर को सारे दूसरे सोलर से कंपेयर करने लगे। इसलिए 36% चांस है कि मेरा लीड ऑर्डर नहीं बनेगा। 27% चांस है कि आपका लीड ऑर्डर नहीं बनेगा क्योंकि आपका सेल साइकिल बहुत लंबा कर रहा है। बहुत बार सेल्समैन क्या है, ऑर्डर मांगने के लिए 7 बार विजिट करता है। उसको पूछो क्यों भाई तू अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं मांग रहा, बोलता नहीं अभी तक मेरे को लग नहीं रहा कि ग्राहक संतुष्ट है। अबे तू कौन है ग्राहक की संतुष्टि देखने में, तेरा काम है मांग बता, बेनिफिट बता और ऑर्डर मांग। अगर आप सेल्स साइकिल को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, अगर आपको समझता है कि सोलर बेचने के लिए मुझे तीसरे कॉल तक ऑर्डर मांग लेना चाहिए, दैट इज योर सेल्स साइकिल, तो मांगना चाहिए। आपके सेल्स फनल में ऐसा कोई लीड नहीं होना चाहिए जो चौथा पांचवा छठे कॉल पे जा रहा है। इसका मतलब आपका सेल्स साइकिल लंबा हो जा रहा है, और 26% 27% चांस है कि इसी के कारण आपका ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहा। इसी तरह का 27% पे क्लोज रेट नॉट हाई एनफ, यानी क्लोजिंग स्किल्स अगर पुअर रहती है तो भी 27% लीड्स वेस्ट हो जाती है। 19% चांस है इन इफेक्टिव सेल्स प्रोसेस, अगर आपका सेल्स प्रोसेस सेट नहीं है, अगर आप या आपके लड़कों को मालूम नहीं है कि कैसे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री कैसे बातों को आगे बढ़ाना, तो भी 20% चांस है कि आपका लीड ऑर्डर नहीं बनेगा।
यानी मोटे मोटे तौर पे ये कुछ बैरियर्स हैं जो एक इफेक्टिव सेल्स फनल मैनेजमेंट को रोकती है। अगर फनल मैनेजमेंट अच्छा करना है तो इन पांचों बैरियर से उठना पड़ेगा आपको। यू हैव टू गेट ओवर दिस फाइव बैरियर्स। तो कुल मिला के जो सुबह से बातचीत हो रही है पिछले एक घंटे से, ये उसका निचोड़ है। तो लीड्स को बढ़ाना है, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी अपॉर्चुनिटी आएगी, जितना ज्यादा सेल्स कॉल करेंगे उतने नए कनेक्शंस बनेंगे, जितना ज्यादा फॉलोअप करेंगे, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जितना कन्वर्शन है, जितना ऑब्स्टेकल्स हैंडल करेंगे उतना कन्वर्शन हाई होगा, जितना परसिस्टेंट रहेंगे, जितना फॉलोअप लेंगे उतना सेल होगा। तो दिस इज व्हाट वी वांट, ये मेरा सेल्स फनल है, इसको पूर्ति के लिए ये मुझे करना है। दिस इज द पिक्टोग्राफिक डिपिक्शन ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। फाइनली अंत में ये पांच चीज है जो एक इफेक्टिव सेल्स मैनेजमेंट का रिजल्ट है। मैं एक अच्छा सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स फनल मैनेजमेंट जब करता हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करता हूं, एजुकेट करता हूं और उनको कन्वर्ट करता हूं कस्टमर के लिए, और उनकी याददाश्त में बन के रहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस मिले। तो ये थ्योरेटिकल मॉडल है कि दीज आर द फाइव एरियाज वेयर वी आर ट्राइंग टू टेक आवर सेल्स फनल टू। तो इन ए नटशेल, समय की समाप्ति हो गई है, इन ए नटशेल सेल्स फनल हेल्प द सीईओ। आप लोग सब सीईओ हैं, ओके, तो आपको मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग एंड मेजरिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी सेल्स का जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए सेल्स फनल काम में आता है। अन्यथा नॉर्मली लोग बोलते हैं यार सेल्स तो महीने के एंड में ही पता चलेगा। अरे महीने के एंड में पता चलेगा तो पूरा महीना क्या करोगे? पूरा महीना सेल्स फनल को देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये एक टूल है जो आपको वर्क इन प्रोग्रेस बताता है। टू इफेक्टिवली बिल्ड ए सेल्स फनल एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इज रिक्वायर्ड। मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये वर्क, ये इंटीग्रेटेड दोनों जब करेंगे तो इंटीग्रेटेड सेल्स फनल मैनेजमेंट होगा। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर, एंड मेंटेन हेल्दी सेल्स फनल टू टर्बोचार्ज योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस को स्ट्रांग रोबस्ट बनाना है तो हेल्दी सेल्स फनल का होना बहुत जरूरी है, राइट? सो विद दोस वी ब्रिंग एन एंड टू टुडे सेल्स की पाठशाला। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे एंड कमिंग अप नेक्स्ट वेडनेसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे कब है? सो इट्स ऑन 4th July एंड वी आर टॉकिंग 4th July। नॉर्मली हमारा वेडनेसडे को होता है बट इस महीने में थोड़ा ज्यादा मेरी ट्रैवलिंग है।